प्रवीण कुमार है। सर, सुरक्षा यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती भी आप लोगों के सामने है और एक दायित्व भी है, कितनी तैयार है पूरी नगरी? देखिए, हम लोग इस भव्य कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि आ रहे हैं, हमारे आम श्रद्धालु आ रहे हैं, उन सबके लिए हम लोगों ने अपनी तैयारियां की हैं। यहाँ पर CRPF, UPSSF, PAC और हमारे सिविल पुलिस का कंपोनेंट है ही, साथ साथ में हमने डिफरेंट लोगों को, चाहे हमारे वो फोर्स मल्टीप्लाई के रूप में हमारे नाविक हों, चाहे यहाँ के हमारे वेंडर्स हों, सब लोग हमारे सुरक्षा नेट में है। इस नमूने में न सिर्फ फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, बल्कि हमारे जो अयोध्या वासी हैं, जो अवध वासी हैं, ये भी हमारे सुरक्षा के रूप में हमारे साथ हैं, विभिन्न सत्यापन की प्रक्रियाओं में हमारा साथ दे रहे हैं और लगातार लाभप्रद सूचनाएं भी उनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे और तकनीक का जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस इसमें कर सकते हैं, वो भी हमने इसमें किया है। सर, एक और चीज समझाइए कि अभी जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर भक्त ही भक्त हर तरफ से, पूरे देश से आए हुए, अब इसको कैसे आप नियंत्रित करेंगे कि उस दिन 8,000 लोग अगर आ रहे हैं तो आपका पूरा फोकस उस आयोजन पर होगा, प्राण प्रतिष्ठा पर? देखिए, 22 तारीख के लिए इसको हम लोग एक्सेस कंट्रोल इसमें बहुत प्रभावी तरह से कर रहे हैं। हमने विभिन्न चैनल्स के माध्यम से, आपके माध्यम से और सभी जगह से अपील की है कि रामलला के दर्शन 23 तारीख से आरंभ होंगे। जो भी अयोध्या के श्रद्धालु हैं, हमारे सभी लोग इस बात के लिए सहमत भी हैं और हम लोग सभी से अपील करेंगे कि इस पूरी रोड पे, जो कि हमारा खासतौर से अयोध्या धाम के अंतर्गत का क्षेत्र है जहाँ से हमारे सारे लोग अतिथि आएंगे, वो उस पर नहीं रहेंगे। इनको विभिन्न जहाँ पर, जहाँ आश्रमों में जहाँ पर हैं, ये वहाँ पर रहेंगे। मीडिया की एडवाइजरीज भी तय कर दी गई है जहाँ पर उनको रहना है, स्थानीय लोगों से भी अपील की गई है। तो हम इस पूरे एरिया को इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे कोई जेड प्लस प्रोटेक्टी के लिए कोई एरिया आवंटित किया जाता है, जहाँ से हमारे सारे अतिथि एक सर्कुलेशन में इस पूरे रूट से निकल करके आगे तक जाएंगे और गेट पर उनको उतरना होगा और उसके बाद उनको डिफरेंट पार्किंग प्लेसेस में जाना और उसके बाद सिस्टमेटिक रूप से उनको एक प्रकार से उनको बुला करके उनको रवाना कराना। और इस पूरी प्रक्रिया में बाहर के लोगों से खास तौर से हम लोगों ने अपील भी की है और इसका एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, अगर कोई आता भी है तो उनको फिर होल्डिंग एरिया में रोक करके उनको भेजा जाएगा। परंतु प्रधानों और आसपास के जो हमारे सम्मानित लोग हैं, इन सबसे हम लोग लगातार संवाद में हैं और इस बात की मुझे आश्वस्ति है कि ये लोग 22 के बाद के कार्यक्रम में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है, उसके बाद ही लोग आएंगे। परंतु अगर कोई आते हैं तो इस एरिया में हम उसको एक प्रकार से अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इस एरिया में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए ना आए। एक आखिरी सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, मैं देख रही हूँ कि अलग अलग जिलों से भी यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा कठिन होता है, एक तो आप इंटर एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन होता है और पुलिस बल भी पूरे प्रदेश से यहाँ पर आई हुई है, कैसे उसे सफल बनाया जा रहा है? देखिए, काफी संख्या में पुलिस बल है, यूपी का के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से फोर्स के लोग आए हुए हैं, उनको लगातार ब्रीफिंग करना, उनके रिहर्सल करना और साथ में आम श्रद्धालुओं को, कि आगे आने वाले 2 महीने में श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा तांता रहेगा, ये तो है ही, पर 23 तारीख ऑनगोइंग बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें 2-2 लाख, 3-3 लाख लोग प्रतिदिन दर्शन करने के अभिलाषी रहेंगे। उसके लिए फोर्स के लोगों को रुकवाना, उनको लगातार उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग से संपर्कित करना, खासतौर से ये लगातार हम लोगों ने किया है कि अभी तक के फोर्स में क्राउड के साथ आपको देखना है, आपको किसी एलओ में देखना है, यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में आ रहे हैं, यहाँ पे आपको सुरक्षा के मानक तो देखने ही है परंतु और लोगों की सुविधा भी देखनी है और आस्थावान के साथ में सम्मान भी कर सकें, ऐसी व्यवहारिक प्रशिक्षण जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ अपेक्षा की थी, उसको हम लोगों ने लगातार, 3 संदिग्ध भी पकड़े गए, उसी प्रोसेस में लोगों को पकड़ा जा रहा है, पूछताछ भी हो रही है, कई और लोगों से लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, नियमित सत्यापन हो रहा है और हम कई लोग जो अदर स्टेट्स के हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वहाँ पर, और इसमें हमको स्थानीय लोगों की बहुत लाभप्रद सूचनाएं मिल जाती हैं, कुछ सूचनाएं आपको पता होती हैं, कुछ सूचनाएं नहीं होती हैं, परंतु हम लोग लगातार उसको सत्यापन के माध्यम से वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि इंटरनल विजिलेंस के अलावा इसमें कोई और विकल्प नहीं होता है, वो हम लोग लगातार रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। तो आईजी पुलिस यहाँ के प्रवीण कुमार जी हमसे ये बातचीत कर रहे थे। जाहिर है चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि भक्तों का उल्लास ऐसा है, आप वहां पर पुलिस का एक अलग आपको संवेदनशील चेहरा भी रखना है, जहां पर लोगों से संपर्क में वो पहलू भी रहे कि सुविधा लोगों को मिलती रहे, इसके साथ ही ये बात भी हो जाती है कि विशिष्ट अतिथि भी होंगे, आम श्रद्धालु भी होंगे, उन सब के बीच किस तरीके से पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी है वो एक एक बड़ा पहलू हो जाता है।